हर विषय पर अडानी, अंबानी, टाटा, महिंद्रा जैसे कई अन्य कॉरपोरेट हाउस को भद्दी गाली देने और कोसने वालों में से कितने लोगों को पता होगा कि इन कॉरपोरेट हाउसेस की वजह से भारत में कितने लोगों की आजीविका चलती है, इन्होंने देश में कितनों को रोजगार दे रखा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान कितना है। किसान का उगाया अन्न पैसों से खरीदकर आज तुम उन्हें कृतज्ञता से अन्नदाता कह रहे हो तो वह अच्छी बात है, किंतु जो तुम्हें रोजगार देकर बदले में तुम्हारे परिवार के भरण पोषण व बच्चों की शिक्षा और तुम्हें समाज में सम्मानजनक जीवन यापन के साधन जुटाने हेतु धन दे रहा है, उसे अपशब्द कहकर किस प्रकार की कृतज्ञता दर्शा रहे हो। 135 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में मात्र 1.5 करोड़ इंडिविजुअल ही इनकम टैक्स पे करते हैं, जबकि इन कॉरपोरेट द्वारा टैक्स से सरकार की आय ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ की थी। ये जो फिगर है ये 2018-19 के है। किसानों को सब्सिडी की बिजली, पानी, बीज, खाद, यूरिया, फसल का 80% बीमा और बैंक अकाउंट में दी जाने वाली किसान सम्मान निधि और उनसे आवश्यकता से कहीं अधिक की जाने वाली सरकारी खरीदी का एक बहुत बड़ा भाग इन कॉरपोरेट हाउस के टैक्स के धन से फंड होता है। कोरोना काल में पूरे विश्व में सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भारत में था। सरकार ने 5 माह तक 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराया, उसका भी एक बड़ा भाग इन्हीं कॉरपोरेट्स द्वारा चुकाया टैक्स के पैसों से आया था। हे परम प्रतापी, प्रकांड ज्ञानी, क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों, शुतुरमुर्ग की तरह जो अपनी मुंडी जमीन में घुसेड़ रखी है, जरा एक बार उसे बाहर निकाल, अपने देश दुनिया को समझो और यथार्थ को स्वीकारो। इट्स टाइम टू स्मेल द कॉफी। धन्यवाद।